बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। सो चलिए दोस्तों, बिटकॉइन का क्विक एनालाइज करते हैं कि इसका नेक्स्ट मूव क्या हो सकता है, मजीद कितना ये डंप या पंप होने वाला है। लेकिन अगर हम बात करें मेरी लास्ट अपडेट की, जो कि मैंने आपको अपने टेलीग्राम चैनल में दी थी, अल्हम्दुलिल्लाह उसके मुताबिक देखिए मार्केट ने बिल्कुल परफेक्टली हमारे टारगेट अचीव करे। 28,200 हमारा शॉर्ट के लिए बाय जोन था और 26,850 में हमारी टीपी थी। अल्हम्दुलिल्लाह एग्जैक्ट पॉइंट पे हमारा टारगेट अचीव हुआ। और अगर ओवरऑल देखा जाए तो इसने जो डम करा ना हमारे बाय जोन से तकरीबन 6 साढ़े 6%, नॉट बैड। तो अब बात करते हैं जी इसका नेक्स्ट मूव क्या हो सकता है, क्या इसको अभी लॉन्ग करना चाहिए या इसको शॉर्ट करें। तो सबसे पहले हम बात करते हैं डेली टाइम फ्रेम की, देन हम बात करेंगे 4 घंटे के टाइम फ्रेम पे। तो देखें जी, डेली टाइम फ्रेम में यहाँ पे मार्केट ने हमारे पास बनाई हुई थी छोटी सी राइसिंग वेजेस, ये देखें। और ये जो राइसिंग वेजेस थी ना, देखें मार्केट ने इसका कर दिया ब्रेकडाउन। ब्रेकडाउन करने के बाद अभी इसकी रिट्रेसमेंट होनी है 27,350, 27,400 की, देन यहाँ से इसको हम शॉर्ट करेंगे। लेकिन वीडियो भाई पूरी देख लेना, ऐसा ना हो कि बीच में से आप कुछ स्किप कर दो और बाद में आप इसको प्रॉपर समझ ना पाओ और आपका स्टॉप लॉस लग जाए या फिर आपका नुकसान हो जाए। तो देखें यहाँ पे ना मार्केट ने हमारा ब्रेकआउट किया था, इस वक्त मार्केट कह सकते हैं कि मार्केट इसकी रिट्रेसमेंट कर रही है। और एक ब्रेकआउट मार्केट ने हमें यहाँ पे दिया था, ऑलमोस्ट इसकी भी रिट्रेसमेंट हो रही है। तो यानी कि ये जो रीजन है ना हमारे पास 26,400 और 26,500 वाला, ये बहुत इंपॉर्टेंट रीजन है। अगर ये ब्रेक डाउन हो जाता है तो जी मार्केट ने फिर आपको सरप्राइज देना है, तकरीबन 25,000 और 26,200 के आसपास। बहरहाल अभी मैं कंप्लीट एनालाइज कर रहा हूँ, देन इसकी हम बात करते हैं। अब देखें जी, मार्केट ने ऑलमोस्ट इसका ब्रेक डाउन तो कर दिया है, लेकिन मार्केट यहाँ पे अभी अपनी एक सपोर्ट फेस कर रही है ये वाले रीजन पे, तकरीबन 26,500 से लेके 26,500 से लेके 27,300 तक हमारी स्केल्प हो सकती है लॉन्ग की। और 4 घंटे पे एक हार्मोनिक भी, तो उसके हिसाब से इसमें अपनी एंट्री बनाएंगे। तो अगर ये वाला रीजन ब्रेक डाउन हो जाता है 26,300 वाला या 26,400 वाला, क्योंकि देखें विक्स वगैरह अगर मैं लगा के देखूँ ना, 26,500 पे आ रहा है, विक्स इग्नोर करके देखूँ तो ये रीजन हमारा 26,300 पे आ रहा है। और अगर मार्केट इसका ब्रेक डाउन कर देती है तो मैं आपको इसके पॉसिबिलिटी टारगेट बता देता हूँ जी, पॉसिबिलिटी टारगेट क्या हो सकते हैं। देखिए मार्केट ने यहाँ पे इसका ब्रेकडाउन तो हमारे पास कर दिया था, ये जो हमारा लॉक चार्ट था, ऑलमोस्ट इसकी रिट्रेसमेंट भी हो चुकी है। अब देखिए मार्केट यहाँ पे अपना नया लॉक चार्ट बना रही है। देखें एक बार मार्केट यहाँ से बाउंस भी हुई, दूसरी बार तो तीसरी बार भी 26,000 से मार्केट बाउंस हो सकती है। तो यानी कि यहाँ से भाई रिवर्सल जोन हमारा पॉसिबल है। ये देखें सेकेंड लॉक चार्ट भी हमारा इसी रीजन पे आ रहा है, 26,100 के आसपास। तो जब इसको हम लॉन्ग करेंगे तो स्टॉप लॉस हम लगाएंगे 25,900 के आसपास। तो ये तो हमारा सिंपल एनालाइज है डेली टाइम फ्रेम का। अभी 4 घंटे पे देखते हैं और कुछ हम ईएमए लगा के भी देखते हैं कि जी ईएमए का क्या सीन है। तो सबसे पहले ही मैं यहाँ पे ईएमए 50, 100, 200 वगैरह लगा के चेक करता हूँ। तो देखें जी ईएमए 200 इसे ब्रेक डाउन कर दिए, इसके मुताबिक 27,050 और 27,300 रिट्रेस हो सकता है। अब सेम अगर मैं वीकली टाइम फ्रेम पे जाके देखूँ कि वीकली टाइम फ्रेम पे कौन सी ईएमए कहाँ फेस कर रही है, तो देखें जी वीकली टाइम फ्रेम पे लाल वाली हमारी ईएमए 50 है। अगर वीकली क्लोजिंग हमारे इसकी ब्लॉक क्लोज हो जाती है तो पॉसिबिलिटी हमारा टारगेट होगा तकरीबन 24,800 के आसपास, क्योंकि ईएमए 200 है हमारी ब्लैक वाली, तो मार्केट इसको रिटेस्ट कर सकती है। देन अगर इसका ब्रेकडाउन हुआ तो फिर वो एक दिगर एनालाइज हो जाएगा, और अभी हम उसकी बात नहीं करेंगे कि जी मार्केट फिर क्या कर सकती है। तो वीकली क्लोजिंग के बाद अगेन मैं इसके एनालाइज की अपडेट दे दूंगा। फिलहाल हम बात करते हैं 4 घंटे के टाइम फ्रेम की। अच्छा जी, अगर 4 घंटे के टाइम फ्रेम में देखा जाए ना, तो यहाँ पे ये हमारी ईएमए 50 है या ईएमए हमारी 200 है, तो ई एम ए 50 यहाँ भी पॉसिबिलिटी है रिटेस्ट होने की, तकरीबन 27,300। और अगर मार्केट कुछ इस तरह परफॉर्म कर दे, ई एम ए 50 ई एम ए 200 को क्रॉस कर दे, तो ये हो जाएगा हमारा डेथ क्रॉस। तो जब होगा जबकि जब देखेंगे, फिलहाल सब मैं रिमूव करता हूँ और यहाँ से भी मैं इंडिकेटर को हटा देता हूँ। अब देखें जी 4 घंटे पे सिंपल से एनालाइज है। सबसे पहले मैं यहाँ पे एक लॉक चार्ट अप्लाई करता हूँ, तो ये हमने लगा दिया अपना लॉक चार्ट। अगर मैं विक्स से ले लूँ तो देखें जी विक्स से हमें रिट्रेसमेंट ऑलमोस्ट इसकी मिल चुकी है,
तो यहाँ पे एक अच्छा हमारा लोक चार्ट फेज हो रहा है तकरीबन 26,500 और 26,300 के आसपास। मैं वेट कर रहा हूँ ये वाले रीजन का, 26,300 वाला। अगर मुझे यहाँ पे मार्केट मिलती है कुछ मैं यहाँ से लॉन्ग की एंट्री डालूंगा। लेकिन एक बात याद रखिएगा जी, आज सीपीआई डेटा आना है, प्लस बैलेंस की भी सेक हेयरिंग थी आज, तो उसका भी आई थिंक अभी तक रिजल्ट अनाउंस हुआ नहीं है। तो अगर मार्केट में निगेटिव यानी कि बेरिश न्यूज़ आ जाती है, मार्केट ने हैवी डंप कर देना है। अगर कुछ बुलिश न्यूज़ आती है तो मैं आपको अभी से बता रहा हूँ जी, यहाँ तक तो मार्केट इजिली हमें जाती हुई नज़र आ रही है 26,300 के आसपास, 26,300, 27,500 के आसपास हमें मार्केट जाती हुई नज़र आ रही है। मैक्सिमम जो मार्केट पंप होगी ना, क्योंकि देखें यहाँ से भी एक लोक चार्ट फेज हो रहा है, मैक्सिमम मार्केट पंप हो सकती है 28,200 तक, लेकिन शॉर्ट की एंट्री हम डालेंगे 27,500, 27,300 वाले रीजन से। बाकी मैं मजीद टेलीग्राम पे भी अपडेट कर दूंगा, क्योंकि अब ये न्यूज़ पे डिपेंड है। और ऑन द स्पॉट हम देखेंगे जी रिट्रेसमेंट हमें बेहतर ये वाली मिलती है या फिर 28,200 वाली। तो शॉर्ट का तो अभी फिलहाल सीन बनता नहीं है प्रॉपर, क्योंकि जब तक हम इसका प्रॉपर एनालाइज करेंगे नहीं तो शॉर्ट हम कह नहीं सकते कि परफेक्ट हमारी बननी कहाँ से है। बहरहाल देखें यहाँ पे अगर मैं देखूँ ना, तो देखें इस रीजन में हमारे पास बने दो बुलिश पैटर्न, एक है गार्डली पैटर्न और एक है हमारे पास बैट पैटर्न। तो गार्डली पैटर्न का मैं बाय जोन मिल चुका है, ये देखें 0.786 के ऊपर मैं वेट कर रहा हूँ यहाँ पे विक लगने का, 26,400, 26,350 में बैट पैटर्न की यहाँ पे विक लगेगी, और यहाँ से इसको मैं बाय कर लूंगा कुछ। ये मेरा बाय जोन बनेगा भाई साहब 26,400, और ये लगेगा हमारा स्टॉप लॉस तकरीबन 25,850 के आसपास। और इसके मैं टारगेट आपको बता देता हूँ, बैट पैटर्न के टारगेट आ कहाँ पे रहे, ये आपकी टीपी वन आ रही है 26,930 के ऊपर, देन टीपी टू आपकी आ रही है 27,200, देन टीपी थ्री आपकी आ रही है 27,500, देन टीपी फोर आपकी आ रही है 27,800। अब देखें ये सारे टारगेट उसी सूरत में पॉसिबल है हिट होना, जब कोई मार्केट में थोड़ी बुलिश न्यूज़ आ जाए तो इजीली आपके टारगेट अचीव कर देगा लॉन्ग के। अदरवाइज आपका जो स्टॉप लॉस है भाई, वो स्टॉप लॉस हिट होगा 2% पे, 2-2.5% पे, देन रिट्रेसमेंट पे आप इसको शॉर्ट भी कर सकते हो। अगर मार्केट आपके टारगेट अचीव करती है, टीपी वन 2% आपका रिवॉर्ड है, ऑल टारगेट आपके तकरीबन 5% आपको यहाँ रिवॉर्ड मिल जाना है। तो हम यहाँ पे हारमोनिक को हटाते हैं, तो अगेन बता रहा हूँ शॉर्ट के लिए देखें दो जोन मेरे पास एक अच्छे बन रहे हैं। 27,500 वाला जोन अच्छा बन रहा है यहाँ से शॉर्ट करने के लिए। लेकिन अगर मार्केट में कुछ ज्यादा मजीद बुलिश न्यूज आती है तो मैक्सिमम भाई मार्केट आपको विक दे सकती है 28,200 के आसपास। तो ये ऑन द स्पॉट हम डिसाइड करेंगे कि शॉर्ट कहाँ से, 27,500 से करना है या फिर 28,200 से। तो इसकी अपडेट मैं आपको अपने टेलीग्राम ग्रुप में भी दे दूंगा और व्हाट्सएप ग्रुप में भी। तो गार्डली पैटर्न की आपको एंट्री मिल चुकी है, अगर कोई लेना चाहे तो वो इसको यहाँ से 26,500 से ले सकता है, देन आप इसको 50% यहाँ से डीसीए भी कर सकते हो, एसएल आपका सेम रहेगा। तो अगर आपने $100 ट्रेड पे इन्वेस्ट करना है, $50 की आप यहाँ से ट्रेड ले सकते हो, $50 की यहाँ से ले लेना, और स्टॉप लॉस आपका सेम रहेगा। अब अगर इसको आप लॉन्ग करना चाहते हो ना, देखो गार्डली पैटर्न का आपको जोन मिल चुका है 0.786, 26,550 से आप इसमें एक एंट्री डाल सकते हो, सेकेंड एंट्री डाल देना तकरीबन 26,350 और 400 से। अच्छा एंट्री इस तरह डालना कि भाई अगर इस ट्रेड में तुमने लगाना है $100, तो $50 की यहाँ से एंट्री लेना, $50 की यहाँ से एंट्री ले लेना। तो इस तरह दो एंट्री में आप इसको बाय करोगे, स्टॉप लॉस आपका सेम रहेगा। तो सिंपल सी अपडेट है भाई, अच्छी तरह देख लेना। अगर फिर भी कोई कन्फ्यूजन हो तो फेसबुक ग्रुप में मेरे से रब्ता कर सकते हो, मैं वहाँ पे आपको मजीद गाइड कर दूंगा। और इसका जो भी नेक्स्ट पॉसिबल मूव होगा शॉर्ट के लिए, वो इंशाल्लाह मैं आपको टेलीग्राम पे भी अपडेट कर दूंगा और व्हाट्सएप ग्रुप पे भी। तो वीडियो को लाइक लाजमी कर दीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ लाजमी शेयर करिएगा। दुआओं में याद रखिएगा, इंशाल्लाह मिलेंगे फिर एक और वीडियो के साथ। जब तक के लिए अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह।